हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मो वेहीकल। तो आज अभी हम हैं एक वर्कशॉप पे, जैसे कि आप देख सकते हो एक वर्कशॉप पे है। एंड आपको मैं बताऊंगा कुछ बेसिक कंपोनेंट्स एंड बेसिक कुछ आपको मैं बताऊंगा कि वर्कशॉप में काम कैसे होता है। और अभी हमारे सामने अर्टिगा का 1.5 लीटर इंजन है, डीजल इंजन है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा क्या है इसमें, ठीक है। तो ऑल अबाउट डीजल इंजन के बारे में हम बात करेंगे अभी पहले फर्स्ट वीडियो में। देखते हैं आगे हम क्या क्या कवर कर पाते हैं, उस टाइप से हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्टिगा का CRDI वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन है। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यह है 4 सिलेंडर इंजन, जैसे कि 1 इंजेक्टर, 2, 3 और 4, 4 इंजेक्टर्स यहाँ पे है। और ये इंजन का फ्रंट साइड है, ये क्रैंक पुली है। और ये आपको मिलता है यहाँ पे अल्टरनेटर का पुली, ये बेल्ट टेंशनर है। और यहाँ पे मिलता है आपको पंप, और यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा पुली, जैसे कि आप देख सकते हो। ये आपस में सब बेल्ट से एक ही बेल्ट से कनेक्टेड होता है। एंड ये क्रैंक वाला पुली सबको ड्राइव देता है। और यहाँ पे आप देखते हो माउंटिंग का जो है, यहाँ पे इंजन माउंट होता है बॉडी के साथ ये पॉइंट में। ये जैसे कि आप देख सकते हो सेल्फ स्टार्टर, दिस इज द सेल्फ स्टार्टर, दिस इज कॉइल। एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये है आपका पूरा क्रैंक केस यहाँ पे जो है, ये गियर बॉक्स साइज है। एंड जस्ट इसी के ऊपर क्रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। ये अभी यह पूरा असेंबल्ड इंजन है, यहाँ तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत सारा कंपोनेंट इनसाइड होता है। एंड जो मेन देखने का चीज़ है CRDI, हम बहुत सारे गाड़ी भी देखते हैं तो लिखा होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम एंड CRDI, तो यही है वो CRDI। ये कॉमन रेल है एंड यहाँ से हर एक इंजेक्टर वर्क करता है। एंड ये आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक एक्चुएटर भी होता है, वो भी मुझे देख नहीं रहा अभी। तो ये है एक 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन विथ CRDI सिस्टम, यानी कि इसमें आपको मिलता है 4 वाल्व पर सिलेंडर के साथ। ये इंजन आपको देखने को मिलेगी 16 वाल्व DOSC 4 सिलेंडर इनलाइन CRDI इंजन। और अल्टरनेटर अबाउट 24 to 12 वोल्ट के आसपास एंड अबाउट 100 एम्पेयर का ये करंट प्रोवाइड करता है पूरे व्हीकल के, जिससे कि आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजेक्टर्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड बैटरी चार्ज किया जा सकता है। अबाउट 100 एम्पियर करंट ये प्रोवाइड कर देता है। एंड ये कूलिंग सिस्टम का है, जब दो पाइप देख रहे हैं, हॉर्स पाइप है जो, ये आपको लगता है यहाँ पर एक इनलेट है, एक आउटलेट है, यानी कि इंजन में जो कूलेंट यूज हुआ है वो कूलेंट इसी के थ्रू इनलेट आउटलेट होकर जाता है आपको रेडिएटर में, एंड वो कूल होकर अगेन इंजन में इनलेट हो जाता है। तो ये वो दो हॉर्स पाइप, फर्स्ट हॉर्स पाइप एंड सेकेंड हॉर्स पाइप, वो आउटलेट है या इनलेट है। तो हेलो गाइस, ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 BS4 मॉडल। ये है बोनेट एंड ऊपर एयर स्कूप, एयर डैम एंड ये इंसुलेशन। और ये है इनलाइन 4 सिलेंडर 2200 cc MHawk डीजल इंजन विथ 140 हॉर्स पावर एंड 320 Nm ऑफ टॉर्क। ये प्रोड्यूस करता है 140 हॉर्स पावर का बैजिंग, MHawk का बैजिंग, महिंद्रा का बैजिंग। एंड ये एयर इंटेक का स्कूप, इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन 140 हॉर्स पावर 320 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये कूलेंट इंजन, ये सेम इंजन महिंद्रा बहुत सारे गाड़ी में यूज़ करती है। 2.2 लीटर इंजन का महिंद्रा का अपना है MHawk, जो कि बेस्ड है DI इंजन के ऊपर, CRDI इंजन के ऊपर। सबको 16 वाल्व मिलता है, ईच वाल्व 4 वाल्व मिलता है आपको ईच सिलेंडर का। 16 वाल्व DOSC MHawk 140 हॉर्स पावर महिंद्रा इन 4 सिलेंडर डीजल इंजन।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पेंट बूथ आपको देख के समझ में आ गया होगा क्योंकि पूरे वॉल पे पेंट करा गया है। तो पेंट बूथ एक्चुअली होता है इसलिए कि आप एक कवर जगह पे पेंट कर सकें, मतलब प्रिसाइजली पेंट आप कर पाए, बाहर का जो आउटर साइड का जो एयर का मॉलिक्यूल है वो आपको पेंट पे आके चपक ना जाए एंड बहुत प्रिसाइज तरीके से आप पेंट हो पाए। तो यह पेंट गन, यहाँ पर यह पेंट गन है, एक्चुअली एयर कंप्रेसर से काम करता है पेंट गन, अलॉय पूरा स्टेनलेस स्टील का बना है एंड ये पेंट कैन। फॉर फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत टाइप के जग और पेंट्स वहाँ पे रखे हुए हम देख सकते हो। एंड पेंट जो होता है स्पेशली वो होता है एयर कंप्रेसर के थ्रू, तो यहाँ पे है वो एयर कंप्रेसर कहीं और, यहाँ पे आपको एयर पाइप दिखता होगा, तो वो जो गन है उसके साथ अटैच करके हम उसे पेंट करते हैं हाई प्रेशर एयर पेंट के थ्रू, तब जाके वो अच्छे से पेंट हो पाता है। आप थोड़ा आउटसाइड जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है उसे थोड़ा मिनिमाइज़ करना, थोड़ा एडजस्ट करना, मैं जो नॉइज़ है बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा। पेंट बूथ कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ पेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, आप इसे पेंट बना बहुत तरीके से पेंट मिक्स करके पेंट बना के खुद से आप उसे पेंट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली ऐसा ही वर्क होता है। बहुत सारे पेंट, बहुत क्वालिटी के पेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, प्राइमर पेंट पुट्टी जो होते हैं बेसिक पेंट का रिक्वायरमेंट वहाँ पर है। तो ये था पेंट बूथ, वहाँ देखो आप दो दो चार फैन लगे हुए हैं, यानी कि जब पेंट होता है तब वो फैन चलाया जाता है एंड एक्स्ट्रा जो यहाँ का पेंट का जो एक्स्ट्रा होता है पेंट जो हवा में पेंट फैल जाता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है एंड वो गेट बंद कर दिया जाता है ताकि कॉम्पैक्ट तरीके से आप पेंट कर सको यहाँ पे ना किसी दिक्कत। तो ये है पेंट बूथ का एक व्यू, कैसा लगा कमेंट में जोर से बताना, थैंक यू। आज हम जहाँ आए हुए वो है अल शाहीन गैराज, यहाँ पे वर्कशॉप है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी गाड़ी की आप वर्क काम करा सकते हैं। अल शाहीन एड्रेस आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लेना एंड आपको यहाँ पे जीमेल भी मिल जाएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप उन्हें मेल भी कर सकते हो एंड फ़ोन नंबर भी ऑलमोस्ट आपको दिख ही गया होगा। तो आपको अगर आसनसोल में गाड़ी का वर्क कराना काम कराना है तो यहाँ से महिंद्रा से लेकर ऑडी तक ऑलमोस्ट सभी गाड़ी का काम किया जाता है, बॉडी वर्क, इंजन वर्क, ऑलमोस्ट डेंटिंग पेंटिंग वगैरह सब किया जाता है। अगर आपको विजिट करना है तो उनका फ़ोन नंबर एंड उनका जो जीमेल है एड्रेस आप